वो खुसूसी गेट आपका भी हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के एक दरवाज़े का नाम रियान है, जिसे क़यामत के दिन रोज़ेदार के अलावा कोई दाखिल नहीं होगा। जब सब रोज़ेदार दाखिल हो जाएंगे तो ये दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। और यह हदीस सही बुखारी से हैं। अल्लाह पाक हम सबको जन्नत के इस दरवाज़े से दाखिल होने की तौफीक नसीब अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको नसीब फरमाए ये गेट, और अल्लाह पाक हम सब से राज़ी हो जाए इस मुबारक महीने में। अल्लाह पाक हम सबकी मफ़रत फरमाए। अमीन सुम्मा अमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरे सारे व्यूअर्स, सारे सब्सक्राइबर्स और मेरे सब दोस्त, सारी बहनें और मेरी सारी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश आबाद रखें और अपने ज़ुमान में रखें, जहाँ कहीं भी आप लोग हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ुमान में रखें। अमीन सुम्मा अमीन। और मेरी दिल से यही दुआएँ हैं, अल्लाह पाक आप सबके लिए हमेशा मेरी दिल की दुआएँ कबूल मकबूल फरमाएँ। अमीन सुम्मा अमीन। तो आज का जो व्लॉग है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, गोलगप्पों की वीडियो आप लोग को नज़र आ रही होगी। ये मैं पानी पूरी भी कह सकते हैं, गोलगप्पे भी। तो ये मैं रमज़ान से दो दिन पहले ही शायद मैंने बनाई, तो ये वीडियो मैंने आप लोग के साथ मैंने शेयर नहीं की, क्योंकि इसकी सारी कंप्लीट रेसिपी जो है मैंने अपने दूसरे चैनल पे दी है। तो उसका भी मैं बता दूँ आप लोग को कि आप लोगों से आप लोगों ने मुझे यहाँ पर जितना प्यार दिया है, जितना सपोर्ट किया है, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आप सब के लिए, और आप सब के लिए दुहगो हूँ और हमेशा रहूँगी इंशाल्लाह। और ये अल्लाह पाक का मुझ पर बहुत ज़्यादा बड़ा फजल करम है, और आप लोगों ने ये सब आप लोग की वजह से भी हैं, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए हैं, मेरी हौसला अफज़ाई की हैं, और आप सबका प्यार और आप सबकी हौसले ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। और अल्लाह पाक आप सबको इसका अजर दें, और आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया, जजाक अल्लाह आप सब के लिए, जजाकुमुल्ला। तो दूसरे चैनल पे मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं, इंशाल्लाह बनाती रहूँगी उस पर भी। दूसरे चैनल का नाम किचन विद सफूरा के नेम से है, मेरा दूसरा चैनल है, तो वो आप लोग देख सकते हो वहाँ पे। यहाँ पे मैं व्लॉग बनाती हूँ लेकिन रेसिपीज़ शेयर नहीं कर पाती, क्योंकि यहाँ पे आप लोग के साथ बातें करनी होती हैं, अपना हाल अहवाल देना होता है, सब कुछ शेयर करना होता है, जितना मुझसे होता है, जितना मैं मुनासिब समझती हूँ। तो दूसरे चैनल पे जिसका नाम किचन विद सफूरा है, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं, और इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। जितना मुझे यहाँ पे प्यार दिया है, इससे ज़्यादा मुझे वहाँ पे भी ज़रूर दें, और आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है आप लोगों से, आप लोगों पे पूरा भरोसा है इंशाल्लाह, पहले अल्लाह पे और फिर आप लोगों पे, कि आप लोग ज़रूर मुझे सपोर्ट करोगे वहाँ पे भी, और मुझे वहाँ पे भी उतना ही प्यार दोगे जितना यहाँ इस चैनल पे मुझे दिया है आप लोगों ने। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्ला खैरन। तो वहाँ पे मैं अपनी जो कुछ मैं बनाती हूँ, तो छोटी मोटी जो रेसिपीज़ होती हैं आसान सी, तो वह मैं उस चैनल पे अपने चैनल पे मैं आप शेयर करती हूँ, ताकि सब देखें और सब भी सीखें, जिनको कुकिंग करना, मतलब कुकिंग करनी नहीं आती होगी, कि किसी को बेकिंग करनी नहीं आती होगी, तो उनके लिए आसानी होगी, क्योंकि मैं आसानी से मतलब समझा देती हूँ, थोड़ी बहुत बात करती हूँ और बस रेसिपी बता देती हूँ आसानी से। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा इंशाल्लाह, अगर पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि उसमें मैं हर एक चीज़ की जो छोटी मोटी रेसिपीज़ होती हैं आसानी से वहाँ पर बता देती हूँ, आप लोग के लिए भी मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। और बाकी ये आप लोग देख सकते हो, ये पकोड़े वगैरह, समोसे और अंडे के पकोड़े जो होते हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सब इफ्तारी के लिए मैं बनाती हूँ रोज़ाना। तो क्लिप्स वही, रोज़ाना की क्लिप्स दो तीन दिन के मैंने जमा किए, तो वही मैं आप लोग के साथ आज मैंने वही शेयर किए हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने कहा कि आप लोग के साथ शेयर करूँ, क्योंकि मुझे खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं रोज़ों में, तो इसी वजह से मैंने अपने इस व्लॉग में भी आप लोग के साथ जो खाने पीने की छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो भी मैं आप लोग के साथ मैंने इस व्लॉग में शेयर की हैं। और बाकी जो रेसिपीज़ हैं वो मैंने आप लोगों से जैसे कहा रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को विज़िट करें, वहाँ पे मेरे चैनल देखें, किचन विद सफूरा सर्च करें और ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करें, और छोटी मोटी जो रेसिपीज़ की वीडियोज़ मैंने शेयर की हैं उस पर
तो वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों ने देखा, सर्च किया या लाइक किया या सब्सक्राइब किया कि नहीं। मुझे अच्छा लगेगा और बहुत ज़्यादा खुशी होगी मुझे। अल्लाह पाक आप सबको दुनिया आखिरत की खुशियाँ नसीब फरमाए, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। जज़ाकल्लाह खैरन। तो इंशाल्लाह आगे भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स इंशाल्लाह कुछ करूँगी, शेयर करूँगी। तो अगले व्लॉग तक आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह शुक्रन। दुआ में याद रखिएगा।